subscribe, get notified, share and like. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कमर में चुक आ जाना, यानी जो आपने देखा होगा मोस्टली घरों में बहुत आम है चुक आ जाती है। और ये आती कैसे है, जब हम कोई भारी चीज़ उठा लेते हैं या रात को सोते वक्त कुछ इस तरीके से सो जाएं कि जो हमारे मसल्स हैं वो उनमें टाइटनेस आ जाए, वो बिल्कुल लॉक हो जाएँ। बेसिकली इसकी वजह से जो हमारे मसल्स हैं वो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉपर सीधे खड़े नहीं हो पाते। बल्कि अगर ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाए यानी धीरे धीरे डे बाय डे आपकी जो कमर है बिल्कुल झुकती चली जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी ताकि आपके जो अगर आपको चुक आ गई है तो आप उन एक्सरसाइजेस को फॉलो करके अपनी चुक को ठीक कर सकें। ये एक्सरसाइजेस आपको दिन में 2 से 3 बार करनी है। इसके साथ ही आप होम्योपैथिक कुछ एनल्जेसिक यूज़ कर सकते हैं, यानी जो आपका इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे आप वो एनल्जेसिक आप लगाएंगे तो वो एरिया सुन हो जाएगा और कुछ टाइम के लिए आपको दर्द फील नहीं होगा। और साथ ही 2 होम्योपैथिक मेडिसन, जिसमें से एक जो है वो है ब्रायोनिया एल्बा, क्योंकि ब्रायोनिया एल्बा एक ऐसी मेडिसन है जिसमें स्लाइटली मूवमेंट से पेशेंट को पेन होता है, तो इस पर बहुत अच्छा काम करती है। आप 200 पोटेंसी में लें, दिन में 4 डोज लें, जब तक आपको ये कंप्लेन है आप कंटिन्यू रखें। और साथ ही मैकफॉस 12x में लें तो ज़्यादा बेहतर है, इसकी 4-4 गोलियां दिन में 4 बार नीम गर्म पानी से आपने लेनी है। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।